अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। तो जी दोस्तों, कोई आवाज़ का इशू, आपको आवाज़ मेरी आ रही है और आपने कमेंट्स में बताएं, क्योंकि कमेंट्स तो आने शुरू हो गए हैं और सबसे पहला जो कमेंट हमें मौसूल हुआ वो है जनाब बिलाल साहब का। तो ये आप भी देख रहे हैं कि बिलाल साहब का कमेंट सबसे पहले आया और उसके बाद आया जनाब आल प्रैंक्स का, और जो तीसरा कमेंट है वो जनाब वाला है इस्लाम 360। तो आप तीनों के लिए भी बिल्कुल स्पेशल प्राइस है। सबसे जो पहले बिलाल तुफैल साहब हैं उनके लिए जी ये एक फोटो फ्रेम है, बहुत खूबसूरत, ये हमने पैकिंग से निकाला भी, आप देख सकते हैं ये बड़ा खूबसूरत, इसके ऊपर हाइबिस्कस के फूल बने हुए हैं, चारों साइडों पे थ्री डी फूल हैं और बड़े खूबसूरत फूल हैं। तो ये जनाब बिलाल साहब आपको जाता है। और उसके बाद जो हमारे जो दूसरे हैं, क्योंकि मुझे साथ साथ दिखना भी पड़ेगा कि हम किसको क्या दे रहे हैं ताकि बाद में ये गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरे नंबर पे जी आल प्रैंक्स आपके लिए बहुत खूबसूरत, ये देखें ये डेजी के फूल बने हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं, फोटो फ्रेम है आपके लिए और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो ये आपके लिए है। और जो हमारे तीसरे कॉन्टेस्ट हैं जी, वो तीसरे नंबर पे जो हमारे हैं वो है जनाब इस्लाम 360 ऑफिशियल। तो इनके लिए भी है जनाब, और इनके लिए बहुत खूबसूरत, ये देखें ट्यूलिप का फूल है दीवार पे लगाने के लिए, ये वॉल हैंगिंग है, बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत पसंद आएगा जब आप तक पहुंचे। तो आप तीन लोग जो हैं अपना एड्रेस जो है मुझे वही फेसबुक वाले आईडी पे इनबॉक्स कर दें एक दफा फिर, हालांकि एड्रेस मेरे पास मौजूद है लेकिन क्योंकि ये अभी ताज़ा ताज़ा नया नया लकी ड्रा हुआ है तो इसमें क्योंकि आपके एड्रेस एक दफा सामने आएंगे तो आपका मैसेज भी फौरन मेरे सामने आ जाएगा। तो ये जी इनका हो गया। और जो असल चीज थी हम आते हैं उसकी तरफ, तो असल चीज तो ये थी कि आज हमने अपनी कुरानदाजी करनी थी मुस्कारी के बल्ब की, और उसके साथ जो थे हमने कुछ अपनी पी कैप्स की भी करनी थी, ग्लोइंग गार्डन की बड़ी खूबसूरत पी कैप्स हैं ये देखें, और यकीनन ये जब आप तक पहुंचेगी आपको बहुत पसंद, तो हम इसको भी आज शामिल करेंगे लकी ड्रा में। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं मेरे दाएं बाएं थोड़े से ब्रोमिलियट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस तरफ स्टैक हार्न फर्न है और इस पर भी प्रोग्राम करेंगे। ब्रोमिलियट्स बहुत अच्छा पौधा है, कुछ लोग पूछते हैं शेड के लिए हमें पौधा कुछ अच्छा सा जबरदस्त सा बताएं जो हमारे यहाँ चले भी और हमें इश्यू भी ना, तो ये सबसे जबरदस्त ये पौधा है, आप इसको उगाएं इसको लगाएं और ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ना सर्दियों में ना गर्मी में। और इसके बाद आप देख सकते हैं धनिया का पूरा गमला आपके सामने पड़ा है। तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो एक ये भी है कि आप मुझे बताएंगे कि धनिया का जो बीज है इसमें से पौधा कितने दिनों में निकलता है, यानी इसका सीड कितने दिन में जर्मिनेट होता है। तो मुझे आपकी तरफ से इसका जवाब चाहिए, उसको भी एक इनाम मिलेगा। और हम पूरा अंदाजी शुरू करने से पहले हमने एक पिछले प्रोग्राम में एक मैसेज किया था, वो मैसेज वो ये था कि जब भी आप रात के टाइम गाड़ी चलाएं तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जो है वो लो की रखें। और दोस्तों के भी मैसेज आए, बल्कि एक हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं उन्होंने हमें मैसेज किया कि हमारी मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये सब तक पहुंचाएं कि जो लोग पान खाते हैं तो पान की जो पी होती है वो कम अज कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ना फेंकें। तो अच्छी बात है, हमें सब हम सबको इस पर अमल करना चाहिए,
देखिए जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं इसी तरह हमें अपने मुल्क को भी साफ रखना चाहिए। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी ही है, ये मुल्क हमारा ही है, तो इसको साफ भी हमने ही रखना। तो जब हम खुद भी बैठते हैं गाड़ी में तो हमें जब साफ जगह नजर आती है हमारी कोशिश होती है कि उस कोने में बैठे जो सबसे साफ हो। तो जब हमारा ये दिल करता है तो बाकियों का भी ऐसा ही दिल करता है, कोशिश किया कर कि जगहों को साफ रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को साफ रखें, ताकि तमाम लोग इससे दिल भी खुश हो जाए और फायदा भी उठाए। तो जी अब हम आते हैं अपनी गोलंदाजी की तरफ और मैं देखता हूँ जी 5 से 7 दिन ये आर फ्रेंड्स ने हमें मैसेज दिया है 5 से 7 दिन। हम इनसे भी पूछेंगे 5 से 7 दिन कैसे होता है तो ये हमें बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं गोलंदाजी का जी। आज पहला दिन है और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे और हम मजीद चीजें भी लेके आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ये देखें। और खुशी की बात यह है कि बहुत से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा हमें जो है इसमें दिलचस्पी का इजहार नजर आया लोगों का। तो आज इस कुरानदाजी में जो मेरी मदद करेंगी वो मेरी बेटी है निमरा। तो हम बुलाते हैं निमरा को, निमरा आएगी और हमारे साथ हेल्प करेगी इन प्रश्न को निकालने। तो निमरा आए हमारे साथ। ये है जी निमरा कलीम और ये हमारे साथ हेल्प करेगी इन कुरानदाजी के पर्चियों को निकालने के लिए। तो निमरा सबसे पहले आप निकालें, हम एक दफा ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि ये मिक्स ना हो। अब आप निकालें जी एक पर्ची निकालें। ये पहली 5 पर्चियां जो होंगी ये पी कैप्स के लिए और अगली जो 10 होंगी वो हम करेंगे मुस्कारी के बल्ब के लिए। इसके अलावा अम्ब्रेलस के 2 बल्ब अम्ब्रेलस के भी हैं और क्राइनम के भी 2 बल्ब। और क्राइनम जो है ये साउथ अफ्रीकन एक बड़ी स्पेशल क्राइनम है जो नीचे जो बल्ब से मल्टीप्लाई नहीं होती, ये हमेशा बीच से मल्टीप्लाई होती है। अगर आप एक बल्ब इसका लगाएंगे तो वो 30 साल तक एक ही बल्ब रहेगा, लेकिन अगर आप उसके सीड्स को पोलिनेट करेंगे और फिर लगाएंगे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अम्ब्रेलस ये आपको बताया कि 2 बल्ब अम्ब्रेलस के हैं, 2 बल्ब हमारे पास क्राइनम के हैं और इसके अलावा बहुत खूबसूरत ये गार्डनिंग टूल्स हम ये भी अपने दोस्तों को कुरानदाजी में ही निकाल। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों का निकले। तो जी निमरा बिस्मिल्ला करें, पहला पर्ची निकालें आप। तो जी पहली पर्ची है जनाब इनका जो YouTube का आईडी है वो है सुफियान अमजद। अगर आप देख सकते हैं क्योंकि आज पहला दिन है और हमारे 1000 अल्लाह के फजल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, लेकिन अभी क्योंकि YouTube ने वेरीफाई नहीं किया तो मैं मोबाइल से मेरे लिए लाइव आना थोड़ा मुश्किल था, तो हम अपने लैपटॉप से आ रहे हैं और लैपटॉप का आपको पता है कैमरा और मोबाइल के कैमरे में थोड़ा सा फर्क होता है, तो शायद आपको तस्वीर इतनी अच्छी नजर ना आ रही हो, लेकिन हमने आज प्रोग्राम का वादा किया था तो आज हमने शुरू कर दिया। तो ये भी सुफियान अमजद और इनका जो नाम है वो है तारा अंजम। तो जी पहली जो पी कैप है वो तारा अंजम को हमने आज उनका इनाम निकला है और ये उनको मिले। तो निमरा जी दूसरी अब आप निकालें। जी पी कैप में दूसरा जो नाम निकला है वो है फारिया रजा। ये फारिया रजा हमारी बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर है, मेंबर है, ये दूसरा नाम इनका निकला है तो ये हम इन्हें दें। अच्छा तो उसके बाद जी अब निमरा अभी निकालें जी आप।
सर मैसेज ही पढ़ रहा हूँ, और क्योंकि मुझे उसके लिए अंदर भी बदलनी पड़ती है, लेकिन आपके मैसेज माशाल्लाह बड़े अच्छे आ रहे हैं, बड़े लाइवली आपने हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और जी पी कैप के लिए हमारे पास जो तीसरा नाम है वो है, बड़े मजे की बात है, इनका दूसरा भी निकल आया। देखिए शुरू में भी इन्होंने कमेंट किया है और अभी फिर इनका नाम निकल आया, वो है ऑल प्रैंक्स, और ये हैं जी अली उसामा। तो ये जी इनको आज पी कैप भी मिलेगी। और जी चौथा निकालें आप। जी बिल्कुल ठीक है मोहसिन रजा साहब, आपकी बात को भी हम नजर में रखेंगे, कोशिश करेंगे। सब टाइटल्स मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, और इससे पहले देखें दानिश साहब ने किया, फौजी आबद ने मैसेज किया, आदिल महमूद साहब ने किया, फिर नूरुल्लाह साहब ने किया, उसके बाद मोहसिन रजा साहब ने किया, फिर नईम बलोच साहब ने किया, और उसके बाद जनाब आज बैंक है, और फिर मोहसिन रजा साहब का है, जीशान साहब का है। तो बड़ी खुशी है कि आप हिस्सा ले रहे हैं, और इसके अलावा सीरिया मुराद साहब हैं, दानिश साहब हैं। तो जी अगला जो है, थोड़ा सा सस्पेंस भी रखना होता है, अगला जो पी कैप के लिए नाम निकला है वो जी देखें, एक हमारे जब आप मुस्कुराते हैं तो हमें इन्हीं की जरूरत पड़ती है जी। ये हमारे साथ हैं एक डेंटिस्ट, डॉक्टर डेंटिस्ट इनका जो है यूट्यूब का आईडी है, और वैसे भी ये नजमा मुमताज है, इनका निकला है पी कैप डेट इनको मिलेगी। तो अब ये हो गए चार, अब हम निकालते हैं पांचवा। तो थोड़ा सा हम ऐसे भी करते हैं, क्या पता जिनका निकलना वो सबसे नीचे हो और सामने आ गए। तो अब जी अगला नाम आना निकाले, निमरा निकाले। जी अभी जी एक मैसेज हमें आया नईमुर रहमान साहब का जी, फिर उसके बाद ताहिरा सैयद साहिब का साहिबा का मैसेज है, फिर यूसुफ नदीम साहब के कार्टिस हमारे बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं, अक्सर ये हम मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करते रहते हैं, और नईमुर रहमान साहब भी करते हैं, ताहिरा सैयद भी करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। तो आप सबके प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो अगला इनाम है ई कैप के लिए, उसमें जी ये है टेक यूनैन, और इनका जो नाम है असली वाला वो है नुमान नासिर। तो ये नुमान नासिर साहब का अगला इनाम निकला, तो ये जी ई कैप इनकी हो गई नुमान नासिर साहब। इसके बाद जनाब हम अब करेंगे थोड़ी सी मजीद इन्हीं लोगों में से, तो इन्हीं में से हम मजीद नाम निकालेंगे जो हमारे अगले 10 कॉन्टेस्टेंट हैं उनसे। तो उनको हम ये देखें मुस्कारी के ये बल्ब से स्प्राउट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसका मौसम आ गया, अब इनको 2 माह के बाद फूल भी आने हैं। तो अभी हम ये आपको ये भी कुरानदाजी में गिफ्ट करेंगे 10 लोगों को। ये एक बल्ब नहीं जाएगा एक बंदे को, एक बंदे को कम अज कम 4 से 5 बल्ब एक बंदे के हिस्से में आएंगे, ताकि जब वो लगाए तो कम अज कम उसके गमले में 4-5 पौधे तो निकले। तो जी अगला अब निमरा हमारी हेल्प करेगी, और निमरा निकालेगी जी फिर पहला जो नंबर है उसकारी जी। निमरा जी, जी अब हमारे हाथ में अगली की आ गई है पर्ची, अब इस पे देखते हैं चिट्ठी किसका नाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारे बहुत खूबसूरत बहुत नौजवान कश्मीर से हमारे साथी हैं हकीम शफक साहब, ये उनका नाम निकला है, लेकिन हम इनको जो है देंगे जी पी कैप, क्योंकि बल्ब वहां पहुंचाना बहुत मुश्किल है और इसके बल्ब थोड़े से नाजुक भी होते हैं, तो इनको एक पी कैप मिलेगा। ये जनाब पी कैप वाले 6 लोगों, हकीम साहब बहुत बहुत मुबारक हो, क्लैपिंग आप सबके लिए क्लैपिंग।
जी उसके बाद फिर हम एक दफा लाते हैं जी आम निमरा निकालें जी। सुफैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया कि एक पर्ची गिर गई है, तो ये भी से एक पर्ची हमने वापस डाल दी है। बहुत शुक्रिया बिलाल सुफैर साहब। और ये जी अब अगला जो नाम निकला है ये है मुस्कारी के बल्ब्स के लिए, क्योंकि ये बल्ब्स के लिए पहला नाम है। और ये है जी रामीश लियास, रामीश लियास। इनका यूट्यूब आईडी भी यही है और फेसबुक आईडी भी यही होना चाहिए, क्योंकि इनका नाम भी यही है। तो ये जी मुस्कारी के लिए पहला नाम इनका निकला है। और इसके बाद हम अगला नंबर निकालते हैं, नंबर टू। जी आदर साहब थैंक यू सो मच, हमने पर्ची उठा ली, आपका मैसेज भी हमने देख लिया। तो विशान साहब सबको मुबारक कह रहे हैं जिनको भी पी कैप का इनाम मिला। और जी देखें अब ये किस्मत की बात है, अब इनका भी दूसरा इनाम निकला है। एक तो इन्होंने शुरू में इनको मिल गया और एक इनको अभी मिल रहा है। और ये है जी इस्लाम 360 ऑफिशियल, अब इनको मुस्कारी के बल्ब भी मिलेंगे। ये इस्लाम 360 ऑफिशियल इनका YouTube का आईडी है और इनका नाम है कुरियन मोबाइल। तो ये जी इनको हम देंगे मुस्कारी के बल्ब, दूसरा नंबर इनका निकला। अब जी फिर निकालें इनका, अब हम तीसरी जो है वो निकालने लगे हैं। और तीसरी में जी इनका जी जो फेसबुक आईडी है असलाम यू, और वैसे इनका नाम है उस्मान असलम साहब। इस्लाम उस्मान असलम साहब आपको बहुत मुबारक हो, आपको मुस्कारी के बल्ब मिलेंगे। और ये आपका तीसरा नंबर था इसमें। अब चौथी जी नाम निकालें। अब जी चौथी हमारे पास है, हमारी बड़ी अच्छी मेंबर है ये भी, और इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद वालों के दिल धड़के होंगे, सब कहते हैं किसका नाम हो सकता है। जी ये दुआ अली है, ये दुआ अली का नंबर निकला है। जी दुआ अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुस्कारी के बल्ब आपको भी मिलेंगे। ये जी चार तो हो गए, अब पांचवा निकालेंगे आप। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये जी अब पांचवा नाम जो निकला है इसके लिए मुस्कारी के बल्ब्स के लिए वो है जी अतिया इलम। तो अतिया इलम साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जी पांचवा नंबर इसमें निकला है। और अब हम छठे की तरफ जाते हैं, छठा निकालें जी। अभी हमारे हाथ में जो मुस्कारी के बल्ब्स के लिए हम जो कुरानदाजी कर रहे हैं, छठा उसका जो पर्ची मेरे हाथ में, हम देखते हैं जी छठी पर्ची किसकी निकली है। और जी ये थोड़ा सा मुझे भी तजस्स हो रहा है कि ये किसकी हो सकती है। ओह जबरदस्त जी, ये है जी अशरफ जमाल साहब। अशरफ जमाल साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी मुस्कारी के बल्ब मिलेंगे जनाब, छठे नंबर पे आपकी पर्ची निकली है। और हम आप निकालेंगे सातवीं पर्ची। तो निम्र आप सातवीं के लिए आपको हम दावत देते हैं, आप सातवीं पर्ची को निकालें। ये जी हमारे हाथ में अब सातवीं है, हम इसको देखते हैं इसमें क्या। माशाल्लाह बच्चों की गेम होती है, वो बड़ा बच्चे इसको शौक से देखते थे, एक करेक्टर भी है। तो ये जी अब उनका नाम निकला है। तो ये है जी पोकेमॉन गो वीलॉग, और इनका नाम है मुआज अली सैयद। ये जी इनका मुस्कारी के लिए नाम निकला है, सातवीं बच्ची इनकी थी। अब देखते हैं जी आठवें नंबर पे कौन आता है। जी आठवें नंबर पे अब ये आठवें वाले की हम निकाल रहे हैं। देखें मुझे ये उम्मीद है कि हमारे बहुत ही अच्छे नंबर का नाम निकले, सारे नंबर अच्छे हैं जी बिल्कुल जी। ये देखें इनका यूट्यूब आईडी है ब्लेजिंग लेपर, और इनका नाम है फियाज अहमद। फियाज अहमद साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आठवां नंबर आपका निकला। और उसके बाद जी हम निकाले नौवीं निकाले जी। अब जी विशान साहब भी मैसेज कर रहे हैं, बिलाल साहब भी काफी दिलचस्पी लेके। ये नौवीं नंबर की पर्ची है जी, ये मेरे हाथ में,
और छोटी सी पक्षी लेकिन बड़ा सा इनाम है, क्योंकि जो पौधों के शौकीन होते हैं ना उनके लिए ये इनाम बहुत अहमियत रखते हैं पौधों से मिलकर। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जितने भी गिफ्ट लोगों को करूँ वो ऐसे हूँ जो आप गार्डन में इस्तेमाल कर सकते, तो जो आपने घर में भी अगर आप रखें तो आपको अपने पौधों की पुण्य की याद करो। तो जी अगला नाम है, ये है जनाब इनका जो है यूट्यूब का आईडी बड़ा मुश्किल सा है शुरू में सादिद है, और जो इनका असल नाम है सादिद हुसैन है। तो ये उनकी बच्ची है जनाब, ये देखिए उनका नाम निकला है, ये नौवें नंबर पे हमारे साथ ये है, ये नौवें नंबर पे हैं। और उसके बाद जी आखिरी पर्ची हम निकालने लगे हैं मुस्कारी के लिए, लेकिन इसके बाद हम निकालेंगे दो बल्ब अम्ब्रेलस के हैं, दो बल्ब हमारे पास अफ्रीकन बड़ी रेयर जो वैरायटी है क्राइनम की, हम दो बल्ब वो दे रहे हैं और उसके बाद टूल्स भी हैं। तो जी अगली पर्ची अब दसवीं पर्ची निकालेंगे मेरा, अब जी दसवीं पर्ची मेरे हाथ में है और इसको हम देखते हैं जी कि दसवीं पर्ची में किसका नाम है। बट साहब है, बट साहब है, देखिए अब जितने बट होंगे अब उनका दिल जो है ना ऐसे ही होता है, लेकिन ये है जी फेसबुक आईडी है इब्राहिम बट और इनका नाम है मुआजमान, मुआजमा अली। तो जी मुआजमा अली आपको मुबारक हो, आपका दसवां नंबर इसमें निकला है, आपको मुस्कारी के बल्ब, इन 10 लोगों को मुस्कारी के बल्ब जाएंगे। और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं ये देखें ये बल्ब कितना सेहतमंद कितना बड़ा है, ये बिल्कुल एक रेयर वैरायटी है, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी, आप चाहे इसको ऑनलाइन भी लेने की कोशिश करें तो आपको ये नहीं मिलेगी, ये बहुत ही रेयर है। और मैं आपको आज ये दो बल्ब है मेरे पास, एक बड़े साइज का है एक छोटे साइज का है, ये जी अभी आपके हम इन्हीं में से नाम निकाले और देखते हैं किसको। चलेंगे नाम निकालिए, पहले पहला जो नाम होगा वो इस बड़े बल्ब के लिए होगा, अभी जो हम निकालेंगे ये क्राइनम का बड़ा बल्ब है, इसके लिए देखते हैं किसका नाम आता है। अब देखें जी ये क्राइनम के लिए पहली हमने निकाली है और इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जी बड़े अच्छे मीर साहब हैं। अब जो मीर होंगे वो देखें जी जो इन सारी पर्चियों में, अब उनका दिल भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन जी बड़े हमारे खूबसूरत प्यारे से कराची से हैं मेंबर, और ये हैं जी इमरान मीर साहब। तो ये इनका नाम निकला जी, इनको मिलेगा क्राइनम का ये बड़े वाला बल्ब। तो जिन जिन लोगों के नाम निकल रहे हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि अपना जो एड्रेस है एक दफा फिर मुझे वो आप इनबॉक्स कर दें, और एड्रेस बिल्कुल उसी तरह करें जैसे मैंने आपको ये बताया हुआ कि मुझे एड्रेस इस तरीके से भेजें ताकि पहुंचने में आपको दिक्कत ना हो, बल्कि पहुंचाने में पोस्टमैन को दिक्कत ना हो, भेजने में मुझे मसला ना हो और मिलने में आपको प्रॉब्लम ना, क्योंकि फिर बंदा थोड़ा एक्साइटेड होता है, उसको होता है कि मेरा आज पहुंच जाए, सुबह पहुंच जाए, शाम को पहुंच जाए, तो बड़ा इंतजार होता है, बड़ा बेताब होता है। तो एड्रेस अगर ठीक हो तो आपको चीज फौरन मिल सकती है जी। निमरा आप दूसरी जनाब निकालें, आप अब जी ये क्राइनम के लिए दूसरा है, ये बल्ब छोटा है लेकिन वो कहते हैं ना छोटा लेकिन जहर का टोटा, तो ये समझे कि जहर का टोटा ही है क्योंकि ये बिल्कुल रेयर नायाब बल्ब्स हैं, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा, और जो दो खुश नसीब आज उनको मिल रहा है, हम अगले प्रोग्राम में भी ये रखेंगे बल्ब और कोशिश करेंगे कि हमारे जो बाकी साथी हैं जिनको ये रेयर प्लांट्स का शौक है उनको भी पहुंचे, तो क्योंकि मेरे पास बहुत रेयर प्लांट्स होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे ऐसे पौधे इकट्ठे करूँ या ऐसे पौधे उगाऊँ जो हमारे यहाँ जिनका उगना मुश्किल है, लेकिन हम अपने लिए भी कोशिश करते हैं और फिर दूसरों को भी बताते हैं कि ऐसे इनको उगाया जा सकता है और हम भी इनको उगा सकते हैं। तो जी अब दूसरा नाम जी, ये देखें जी हमारी बड़ी अच्छी मेंबर हैं और कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इनका जो एरिया है वो इस्लामाबाद में आता है या पिंडी में आता है, तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिक्स हो जाता है, और ये है जनाब फौजिया आबद साहब। तो क्राइनम का दूसरा बल्ब इनको जाएगा जी, ये छोटे बल्ब, मुबारक हो आपको।
जी क्राइनम के दोनों बल्ब। अब उसके बाद जी ये है हमारे पास दो बल्ब हैं अमरेलस के, और ये जो दो बल्ब हैं ये दो खुश नसीबों को जाएंगे, और दो खुश नसीब वो होंगे ये बल्ब जो है इसकी वैरायटी, क्योंकि मेरा अपना हाइब्रिड है और बहुत खूबसूरत फूल है ये। अगर आप देखें जाके गूगल करेंगे अगर आप मैजिकल टच को, तो मैजिकल टच जो है वो रेड कलर में आता है, उसकी जो पेटल्स की किनारे हैं वो वाइट कलर की, बड़ा खूबसूरत फूल है। अगर हम उसका दूसरा ट्विन ढूंढें उसका, तो ये मेरे पास उसका जो मैंने बनाया हुआ है अल्लाह के फजल से जो मेरे पास बन गया, ये ऑरेंज कलर और इसके किनारे उसी तरह वाइट और बहुत खूबसूरत फूल है, कि हम दो लोगों को आज ये गिफ्ट करेंगे। और जी दो लोगों, एक का नाम पहले आप निकालें फिर उसके बाद दूसरा निकालेंगे हम जी। अब ये पहला नाम देखते हैं किसका निकला है अमरेला से बल्ब के लिए जी। पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका, बहुत खूबसूरत जगह, और ये है जी कोठी से हमारी एक मेंबर है शाबीना खलील साहब, आज उनका नाम निकला जी। तो ये अमरेला का बल्ब इनको जाएगा, और अमरेला के लिए दूसरा नाम निकाले इंदिरा जी। जी आपके दूसरा नाम हम निकालने लगे अमरेला के लिए, और बड़ी जबरदस्त बड़ा खूबसूरत फूल है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जिसकी शादी की है, और मुझे उम्मीद है कि आप आते मुझे तस्वीरें भी भेजेंगे और इसी साल खेलेंगे आपके पास जी। ये है जनाब नुमान फोटो स्टेट और मलक नुमान नासिर जी। हाँ अमरेला के बल्ब के लिए दूसरा नाम इनका है अब जी हमारे पास है कुछ टूल्स हैं, हम टूल्स भी इसी तरह गएंगे। तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि जो पुदीने का बीज है ये कितने दिनों में निकलता है, तो हमें जो यार फ्रेंड्स ने जवाब दिया था कि ये 6 से 7 दिन में। तो अगर आप इसको वैसे लगाएंगे ना आम तरीके से, तो ये तकरीबन 3 हफ्ते में ये बीज जो है जर्मिनेट होता है। लेकिन मैं जो एक वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, इसमें धनिया लगाने का मैंने तेज तरीन तरीका आपको जो मेरे सामने आपको नजर आ रहा है, धनिया बिल्कुल तैयार है, आप इसको उतार के अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ 21 दिन में ये धनिया यहाँ तक पहुँचे, और 21 दिन के अंदर आप धनिया को तैयार करके रख लें और आपको वो धनिया तैयार मिल जाए और फ्रेश हो धनिया, और जो उसकी खुशबू होती है वो आपको पता कितनी ज़बरदस्त होती है, तो और हमें क्या चाहिए। तो आपको हम ये तरीका बताएंगे इंशाल्लाह, मेरी जो नेक्स्ट इसके बाद वीडियो आएगी वो हम यही बताएंगे 21 दिन के अंदर आप धनिया कैसे बिल्कुल इतना तैयार कर सकते हैं कि वो आपके किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप धनिया जो किस तरह की चीज़ उगाते हैं, कोशिश करें एक गमला ना बनाएं, उसके 5-6-7 गमले बनाएं, अपने हमसायों को दें, अपने दोस्तों को दें, रिश्तेदारों को दें, और ये चीज़ें हमेशा बांटनी चाहिए। बांटने से बढ़ती भी है और खुशी भी होती है, और लेने वाले को इससे ज़्यादा खुशी होती है। तो जी अब हम टूल्स में पहला टूल ये वाला है, आप देखते हैं इसके लिए किसका नाम निकलता है। एक दफ़ा इन सबको निंदा हिलाएं ताकि जो दोनों हाथों से हिलाएं, तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारे किसी बड़े अच्छे मेंबर को जाए। तो हम जनाब अब एक नाम निकालें इसमें से, तो हम ये देखते हैं कि इसके लिए किसका नाम निकलता है। तो जी इसके लिए हम निकाल रहे हैं नाम, और वो है जी ये जी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, इस्लामाबाद से हैं, अक्सर बड़ी खुशदिली से और गर्मजोशी से प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, और इनका नाम है जनाब जो फिर इनका आईडी है यूट्यूब का, वो है मेहर अंजम, और ये वैसे हैं अंजम फारूक साहब। तो जी ये पहला टूल इनको गया, और उसके बाद जी अगला टूल देखें जी ये है हमारे पास बड़ा खूबसूरत बड़ा जबरदस्त। हम ये कोशिश करते हैं यहाँ पे एक दफा खुदाई करने के बाद जब घास घास रह जाए तो उसको निकालने के लिए या लाइंस बनाने के लिए ये बड़ी जबरदस्त टूल है। तो इसके देखते हैं इसके लिए किसका नाम निकलता है, निकालें जी एक पक्षी आप। दो आ गई हैं,
हमने एक निकालनी थी, इसमें दो निकाल दी हैं। अब हम क्योंकि एक टूल बाद में भी रहता है तो ये एक पर्ची उस टूल के लिए रख सकते हैं, ये इसके ऊपर आने लगा। तो देखते हैं इसमें किसका नाम है। जी ये है हमारी बहुत अच्छी साथी हिना इब्रार, ये उनका नाम निकला है जी। और इनका वैसे जो नाम ये लिखती हैं हिना ए शाह, तो जी इनका ही नाम निकला है इस टूल के लिए, तो ये इनको भिजवा दिया जाएगा जिन्हें। और जी ये जो पर्ची निमरा ने दो कट्ठी निकाल दी थी, अब हम उसकी तरफ आते हैं। ये छोटा सा एक बेंच है जी, ये बड़ी जबरदस्त टूल है और ये बिल्कुल गार्डन में, ये तीनों टूल ऐसे हैं जो गार्डन में आपके पास लाजमी होने चाहिए। वैसे तो छोटे टूल्स आपके पास हमारे पास होते हैं जिनको मिनी टूल्स बोलते हैं, तो वो भी बड़े जबरदस्त होते हैं, वो भी निकालने के लिए रखने चाहिए। लेकिन ये बहुत जबरदस्त है, इसका साइज जो है बड़ा आइडियल साइज है, गमलों में जो लोग पौधे लगाते हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज है। तो ये इसके लिए जो नाम निकल रहा है वो हम निकालते हैं जी इसमें से, और वो देखते हैं जी कौन है जी। जबरदस्त जी, ये है हमारे साथी नदीम सरवर साहब, ये नदीम सरवर साहब का नाम निकला है जी, ये देखो जी अब हो जाएगा। और ये उनका नाम। तो दोस्तों आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके बड़ा अच्छा लगा, लकी ड्रा में बड़ा अच्छा लगा। निमरा के हम थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमारे साथ हेल्प की, और आखिर पे इन्होंने ऐसा काम किया कि दो लोगों के कच्चे निकाल दिए, तो वो भी एक होता है क्योंकि पहला प्रोग्राम था। हमारे से गलतियां भी हो सकती हैं, हमसे भूल चूक हो सकती है, हम भी इंसान हैं। तो अगले जो हमारा लकी ड्रा होगा वो इससे भी जबरदस्त होगा, मुझे उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इसी तरह शामिल होंगे, और उसमें हम इनामात भी ज्यादा रखेंगे, और सारे के सारे जो इनाम होंगे वो गार्डनिंग से रिलेटेड होंगे। लेकिन हो सकता है कि खवातीन के लिए कोई एक आध अच्छा सा सूट भी आ जाए, तो हम हो सकता है एक से ज्यादा भी हो जाए। तो जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा घोड़ा अंदाजी का, उसके लिए आप हमारा इंतजार कीजिएगा, और वो मेरी कोशिश होगी कि महीने में एक दफा हम जो ये वाला प्रोग्राम है लाजमी करें। और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको अच्छा लगा है तो जरूर इस पे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो देखें जब आप अपने पौधों का ख्याल रखते हैं तो अपने प्यारों का लाजमी ख्याल रखते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक इजाजत, अल्लाह हाफिज। चलिए।